सर आज ये दो दिवसीय धरना था इन लोगों का, आशा ममता कुरियर का, आपको एक ज्ञापन सौंपा गया सर, उस ज्ञापन पर क्या विचार? नहीं तो इसमें जो इन लोग का जो हमारे लेवल का कुछ कुछ जो मैटर है वो उस मैटर को तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और जो ऊपर लेवल का है तो इन लोग को उसके लिए अपना ऊपर संपर्क करना। लगातार दो दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे आशा ममता और कुरियर संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह को ज्ञापन सौंपा। इनकी प्रमुख मांगों में आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने, बकाया राशि का भुगतान करने व प्रत्येक स्वास्थ्य सेवाओं में ममता कार्यकर्ताओं को उठने बैठने की व्यवस्था इत्यादि शामिल है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह ने कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। कोरोना के लेकर जागरूक है, चाहे वो चिकित्सक हो, आशा कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, सबों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि कोरोना काल में लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करें। ऐसे में हड़ताल करना कहां तक उचित है? उचित नहीं है सर, हड़ताल करना उचित नहीं है, पर हड़ताल करने के लिए हम लोग का मजबूर किया गया है। हम लोग का ममता कुरियर आज पीएससी में धरना पर क्यों? हम आज लोग दो दिवसीय धरना स्तर पर बैठे हैं, आज हम लोग का धरना लास्ट है। हम लोग अखिल भारतीय स्किल वर्कर के आह्वान पर हमारी दुनिया की मजदूरों की अपनी अपनी मांगों के लेकर पूरे भारतवासी में धरना पर बैठे हुए हैं अपनी मांग के लेकर। इसलिए हम लोग आशा ममता कुरियर 2005 से बहाली किए गए हैं, हम लोग का कोई भी अभी तक सरकार ध्यान में नहीं रखे हैं। हम लोग की मांग है कि हम लोग आशाओं की सरकारी सेवा घोषित करें, और नहीं तो जब तक सरकारी सेवा घोषित नहीं करते हैं तो एक मजदूरा की दर्जा देते हुए हमारी 21,000 रुपया मानदेय देने का बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर निर्णय ले लिया था, वो अभी तक नहीं मिला है। और दूसरी बात है कि हम लोग का 2018 में